हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो हम बनाने वाले हैं आज अपने मोबाइल से। इस तरह का वीडियो बनाना बिल्कुल आसान है, आप अपने मोबाइल से बना सकते हो। ये वीडियो टिकटॉक के लिए काफ़ी अच्छा है, तो ये वीडियो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हो सके तो एक कमेंट्स भी कर देना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है अपने गूगल में या क्रोम ब्राउज़र में, जो भी आप अपने मोबाइल में यूज़ करते हो वो ब्राउज़र आप ओपन करें, ठीक है। तो मैंने गूगल ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको सर्च करना है इमेज बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है। तो मुझे हो सकता है लिखने में कुछ गलत हो जाए, इसलिए वॉइस पे टाइपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। इमेज बैकग्राउंड रिमूव, तो यहाँ ऊपर आपको पहली वेबसाइट मिलेगी remove.bg, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ अपलोड इमेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा नीचे, तो यहाँ आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपकी गैलरी की जो पिक्स होंगी वो शो हो जाएंगी। यहाँ पे जिस पिक पे आप अपना वीडियो बनाना चाहते हो वो फ़ोटो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। या इससे क्या होगा कि आपकी जो इमेज है उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये पिक ले लेता हूँ फेसबुक की, तो ये अपलोड हो रही है। 2 सेकंड में इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आप देख सकते हो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अभी आप स्क्रीन पे थोड़ा हाथ रखें और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लें, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद हम बैक जाएंगे अपने काइन मास्टर में। काइन मास्टर में जाने के बाद आपको यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ से क्वालिटी सिलेक्ट करें, मैं 16:9 सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद एक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें ये वाला वीडियो, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे आएँ, फिर लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करें। मीडिया पे क्लिक करने के बाद जो इमेज आपकी है, फ़ोटो लगाना चाहते हैं, वो यहाँ से ले लें जो आपने अभी गूगल से क्रॉप किया था, ठीक है। तो इसकी जो लेयर है इसको भी आपने बढ़ा देना है, जितना आपका वीडियो है जितना रखना चाहते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे आएँ और उसी लेयर पे आपको क्लिक करना है। उसी लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ ब्रांडिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने ओवरले सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। वो आप अपने कपड़ों के हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैक कपड़ों पर तो यही ऑप्शन ठीक लगता है, ठीक है। फिर लेयर पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करें तो यहाँ आपको लिखने के कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो भी आप अपने वीडियो में लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं। जिसका भी नाम आपको लिखना है वो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। छोटी एबीसी में लिखें या बड़ी में लिखें वो आपकी मर्ज़ी है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, तो मैं एक यहाँ पर ई लगाना भूल गया, ठीक है, तो लग गई। उसके बाद ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद इसी लेयर पे क्लिक करें। साइज़ जो है वो आपके हाथ में, आप कितनी रखना चाहते हैं, छोटा बड़ा कितना करना चाहते हैं। तो यहाँ डबल ए पे क्लिक करें। यहाँ आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ आप कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो मैंने ये नीचे वाला लगाया है, बिल्कुल एंड वाला, तो आप देख सकते हैं ये किस स्टाइल में आ गया। उसके बाद इस लेयर को आपने बिल्कुल बढ़ा देना है एंड तक। उसके बाद इसको जहाँ आप सेट करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। फिर आपको ब्रांडिंग पे क्लिक करना है और ओवरले पे क्लिक करना है। फिर दूसरा टेक्स्ट आप कुछ लिखना चाहते हैं, नाम वगैरह, तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। उसका भी मैं आपको बिल्कुल मुकम्मल तरीका बताऊँगा, ठीक है। तो ये मैंने इसका नाम लिख दिया फेजू का, ठीक है, जिसकी पिक है। तो उसके बाद फिर वही डबल ए पे क्लिक करके यहाँ से स्टाइल्स जो है वो आप सिलेक्ट करें और इसको छोटा बड़ा वो जितना आप रखना चाहें वो आपके हाथ में। अगर इसके कलर्स वगैरह चेंज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, तो मैं कलर वगैरह चेंज नहीं करूँगा क्योंकि ये वाइट पे ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो ब्रांडिंग कर दें। उसके बाद
आपको फिर स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे आना है और ऊपर कर देना है ओके, और अपनी वीडियो को प्ले करके देखना है, ठीक है। तो वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि अगली वीडियो आप कौन सी देखना पसंद करेंगे। इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। पहले आपको यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करना है और ये ऑप्शंस जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आपको बंद कर देने हैं, ठीक। इसको बंद करने के बाद शेयर पे क्लिक करें और यहाँ एक्सपोर्ट कर दें। तो मैं आपसे अभी इजाज़त लूँगा, ये वीडियो आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। खुदा हाफिज़।